स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल टेक धिंगाना में। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र है तो यकीनन आप जो है कई सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उनमें से कुछ फेवरेट एप्लीकेशन भी आपकी ज़रूर होंगी, जैसे WhatsApp, Facebook, MX Player या फिर जो भी आपको पसंद है आप उसमें यूज़ करें डेली। तो आज हम देखने वाले हैं MX Player में इंग्लिश ऑडियो को हिंदी में कैसा चेंज किया जाए। और यहाँ पर बात को ज़रा समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई इंग्लिश मूवी मौजूद है या फिर कोई हॉलीवुड सीरीज़ है जो आती है इंग्लिश में और बाद में हिंदी डब इसमें होता है, तो आप जो है वो हिंदी ऑडियो कैसे इसमें डालें या फिर हिंदी डब आप जो इसमें कैसे मर्ज करें, ये आज मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊंगा। वैसे भी जो है MX Player काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई एक एप्लीकेशन है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो प्लेयर है ये, क्योंकि इसमें जो है आप कोई भी फॉर्मेट का ऑडियो और वीडियो जो है प्ले कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से दोस्तों को ये चीज़ पता हो, लेकिन ऐसे भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि एक इंग्लिश मूवी या फिर हॉलीवुड सीरीज़ जो इंग्लिश में आती है उसका हिंदी में ऑडियो कैसे चेंज किया जाए। यहाँ पे हम जो है ड्यूअल ऑडियो की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडियो की बात कर रहे हैं कि आप जो एक MP3 फाइल को जो है कैसे लोड कर सकते हैं एक MX Player में, जो बाहर से आप डाउनलोड करके इसमें लगा सकते हैं हिंदी ऑडियो। तो चलिए देख लेते हैं MX Player में एक्सटर्नल ऑडियो कैसे यहाँ पे ऐड किया जाता है किसी भी इंग्लिश मूवी में। और ध्यान रहे दोस्तों, उस मूवी का MP3 ऑडियो आपके पास होना ज़रूरी है, तभी जाके आप जो इसमें उसको ऐड कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हिंदी में सबटाइटल या फिर हिंदी ऑडियो मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक मूवी को प्ले कर दिया है, अब कर देते हैं इसको पॉज, क्योंकि हमें यहाँ जो है तीसरा ऑडियो इसमें ऐड करना है। तो पहले से यहाँ पे इस मूवी में जो है दो ऑडियो मौजूद है, एक हिंदी कैम और एक जो है ओरिजिनल ऑडियो जो इंग्लिश में आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें जो यहाँ पे तीसरा ऑडियो जो है इसमें ऐड करना है जो हिंदी ओरिजिनल आया है। तो यहाँ पे आप जो 2.0 या 5.1 वाला भी ऑडियो ऐड कर सकते हैं। ऑडियो ऐड करने के लिए दोस्तों आपको जो है इसके मेनू में जाना होता है, जहाँ पे आप तीन डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है ऑडियो में। यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑडियो ओपन, ऑडियो ट्रैक, स्टीरियो मोड या फिर सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको जो है ओपन में जाना है और जिस भी मूवी की आपने फ़ाइल डाउनलोड की है उसको ओपन करके यहाँ पे आपको लोड कर देना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल रखी है हिंदी ओरिजिनल ऑडियो की, तो मैं यहाँ पे उसको जो है लोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको रखा है MP3 प्लेयर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी वार की जो है हिंदी ओरिजिनल ऑडियो मैंने सिर्फ डाउनलोड की है, ये ओरिजिनल ऑडियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसमें जो है तीन ऑडियो यहाँ पे जो है ऐड हो चुके हैं, एक तो है कैम वाली ऑडियो, एक है हिंदी और एक है ओरिजिनल इंग्लिश। तो इस तरह से आप जो है किसी भी मूवी का ऑडियो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर इसमें ऐड कर सकते हैं जिसका अवेलेबल है उसका। तो इस तरह से आप जो है हिंदी ऑडियो का मज़ा ले सकते हैं आपकी हॉलीवुड मूवी में या फिर आपकी हॉलीवुड सीरीज़ में। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेकार ना जाए, और साथ में घंटे को भी दबा देना ताकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आप तक मिलती रहे।